हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करने वाली हूँ एक मेकओवर, वो भी गणपति बप्पा की। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं 2 साल से 3 साल से पड़े हुए जो इनकम्प्लीट हैं, तो मैं ठान ली हूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूँगी। तो इसमें से ये गणपति बप्पा की मूर्ति है जो मेरी ससुराल में पड़ी हुई थी, और इसको मैं ठीक करूंगी और मेरा मनपसंद कलर से इसको भरूंगी। तो कलर करने के टाइम पे कुछ कुछ डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कलर करने के टाइम पे जो लोग हम लोग अनट्रेंड हैं, मैं एक अनट्रेंड प्रोफेशनल नहीं हूँ, अनट्रेंड हूँ, तो मेरी जो आइडियाज़ हैं वो आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कैसे कैसे ये कलर करती जा रही हूँ। तो फर्स्ट ये है कि बेस कलर को सूखने देना ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर एक्रिलिक का कलर किया है, पहला ही वाइट का बेस बनाई हूँ, उसको मैंने घंटे भर के लिए छोड़ दिया है। घंटे भर छोड़ने के बाद जब अच्छे से ये सूख गया है, देन मैं इसके ऊपर ये गोल्डन कलर लगा रही हूँ। गोल्डन के साथ थोड़ा येल्लो टिंच वाला जो कलर आती है, ये कलर है लेमन येलो नहीं, ये थोड़ा सा जो टर्मरिक येलो है वो, ये टर्मरिक येलो के साथ गोल्डन कलर मिक्स करके इसकी जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी को मैं डिटेलिंग कर रही थी तो कलर भर रही थी। जहाँ जहाँ ज्वेलरी है वहाँ वहाँ मैंने ये कलर डाल दी हूँ। ये टेराकोटा की है। टेराकोटा मतलब आप सब लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। टेराकोटा है यहाँ बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल की बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली मिट्टी के जो पुतलियां हैं उसको बर्न किया जाता है, जैसे कि सेरामिक की चीजों को बर्न किया जाता है अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग देने के लिए, इसको बर्न किया जाता है। इसका नॉर्मल अर्देन कलर होती है, रेडिश अर्देन कलर होती है जो बहुत फेमस है यहाँ का। ये उसकी ही मूर्ति थी, पूजा घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, पूजा घर में पड़ते पड़ते इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े जम गए, कीड़े अपना घर बना लिया था, उसको भी मैंने साफ किया। तो आज गणपति बप्पा मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तो मैं इनके ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ। माफ़ करना अगर गलती हो गई है, तो बस इसके ऊपर मेरे अपना मन पसंदीदा जो स्किन कलर है वो स्किन कलर मैं बनाई हूँ। इसको थोड़ा सा वाइट, ऑरेंज और थोड़ा सा येलो मिला के ये वाला कलर मैं बनाई हूँ। तो इसके स्किन के ऊपर ये कलर बहुत अच्छे से जच रहा है, इसको मैं धीरे से बाय डिटेलिंग कर रही हूँ। ब्रश का नंबर में भी 102 है। मैंने दुकानदार को बोली थी मुझे 0 नंबर का ब्रश दीजिए, तो यही बोला कि ये वाला ही 0 नंबर का ब्रश है। एक्चुअली ये 0 नंबर का ब्रश नहीं है, मुझे ये थोड़ा सा पता है, क्योंकि एकदम बचपन में मैं आर्ट स्कूल थोड़ा सा ज्वाइन की थी, मुझे ठीक ठाक पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दी, क्योंकि कुछ होता नहीं था वहाँ पर, खाली बैठ के कुछ ड्राॅइंग देख के बोलते थे कि ये वाला ड्राॅइंग बनाओ, तो मैं पापा को आके बोली कि मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसा देख के ड्राॅइंग बनाना है तो मैं बुक खरीद के ड्राॅइंग सीख लूँ, तो मैं छोड़ दी थी। उसके बाद मैं कभी गई नहीं हूँ। तो जहाँ वहाँ से छोटे छोटे चीज़ें मैं सीखी हूँ, या यूट्यूब से या कहीं और से मैं सीखी हूँ, तो वहीं से ही मैं देख के अपनी ये जो हुनर है, छोटा सा हुनर, उसको मैं निखारी हूँ। कितना निखार पाई हो तो आप लोग ही बताएंगे, बट मैं कोशिश की हूँ। तो इसको मैं अच्छे से कलर भरने के बाद, इसका बॉडी का जो कलर होगा, इसके बाद मैं बाकी की डिटेल में आऊंगी। क्या कपड़ा पहनाना है, किसका कलर का पहनाना है, ये इसको लेके मैं बड़ी कंफ्यूजन थी। तो इसका जो आउटलुक आया है आप लोगों को, जब कितना पसंद आएगा मुझको नहीं पता, बट मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि इसका जो कलर उभर के आया है ना विदाउट एनी वर्निश, वो बड़ा खूबसूरत है। तो इसके धीरे धीरे मैं भरने लग गई हूँ। इस बीच में अगर आपको मेरी ये कला थोड़ा सा अच्छी लगी, तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और क्या क्या आप लोग देखना चाहते हैं वो भी मेरे को बताइएगा। मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके आ रही हूँ जो ऑलरेडी इनकम्प्लीट है या कम्प्लीट होने के बाद टूट गई है, ये सारे प्रोजेक्ट को ये सीरियल वाइज मैं कम्प्लीट करूँगी, ये मैं ठान ली हूँ। क्योंकि अभी तक बहुत टाइम मेरे पास है, क्योंकि मैं अब कुछ कर नहीं रही हूँ और एक स्पेस बना के रखी हूँ जहाँ पर मैं ये काम कंप्लीट कर पा रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से कलर हो गया है, इसकी बॉडी का पूरा येलोइश और ऑरेंजिश एक शेड का कलर आया है। अब मैं डिसाइड कर ली हूँ कि इसकी धोती का कलर मैं ग्रीन बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ ग्रीन वाला कलर बहुत जचता है। ये कंसेप्ट मैं ली हूँ मम्मी की एक साड़ी से पुरानी, वो साड़ी में ये वाला कॉम्बिनेशन थी, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची कि धोती को भी अच्छे से कलर कर दूँ।
तो धीरे धीरे मैं कलर भरना चालू करी सिर्फ धोती वाला पोर्शन को। इसकी जो ओढ़नी और दुपट्टा है उसका कलर मैं अलग भरूंगी। दुपट्टे का कलर मैं करूंगी रेड, वाइब्रेंट रेड है ये रेड कलर मैं दुपट्टे के ऊपर भरूंगी। बड़ा ही ब्राइट एक कॉम्बिनेशन है जो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीन और रेड दोनों ही बहुत वाइब्रेंट कलर है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर लगता है। नीचे की बेस की जो लोटस वाली डिज़ाइन है उसको मैं पिंक कलर में भर रही हूँ, कि लोटस का नॉर्मल जो कलर है वो कलर में एकदम बेस कलर मैं पिंक ही भरूँगी। उसके ऊपर जो हाईलाइट करना है वो मैं बाद में करती हूँ। अब इसके हाथ के लड्डू टूट गई थी तो मेरे पास क्ले बचा हुआ था, मैं क्ले को उसके ऊपर जोड़ के उसके ऊपर लड्डू बना दिए। तो भगवान को तो नॉर्मल लड्डू नहीं दे सकते तो मैं क्ले वाली लड्डू दी हूँ। तो लड्डू को मैं ऑरेंज कलर कर दूँगी और अभी मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग करूँगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग करने से क्या होगा ना, जितना हाईलाइटेड होगा उतना ही आपका ये जो बना हुआ रंग है वो उभर के आएगी। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा गोल्डन कलर इसके ऊपर मिला के और एक कोटिंग ज्वेलरी के ऊपर डालूँगी ताकि ये वाला ज्वेलरी आपकी आँखों में ज़्यादा उभर कर आए। ज्वेलरी में कलर भरना तो हो गया, अभी मैं सोच रही थी कि नॉर्मल धोती तो मैं पहना नहीं सकती गणपति बप्पा को, तो क्या किया जाए। तो मैं सोची कि चलो धोती के ऊपर भी थोड़ा सा गोल्डन मोटिफ बनाएं। तो इसके ऊपर कलर भरने के बाद मैं क्या की, मैं धोती के ऊपर भी थोड़ा सा डॉट 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 करके गोल्डन स्टिच जैसा डिज़ाइन बना दी हूँ। और बाय गॉड ये बहुत सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि इसके ऊपर पूरा जरी वाला काम हुआ है और धोती भी जरी वाली है, दुपट्टा भी जरी वाली है। और ये जो पेटल्स बनी हुई थी नीचे बेस में उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर चढ़ा दिए, लोटस की डिज़ाइन के ऊपर पेटल्स जैसे उसके ऊपर भी चढ़ा दिए। अभी मैं क्या किया, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर बनाई, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, वो भी थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा एकदम से टिंग जैसा ब्लैकिश लेकर नीचे नीचे जहाँ पर इसका गड्ढा बना हुआ था, मूर्ति की छाछ की बनी हुई गड्ढे, उसके ऊपर नीचे से मैं वो लाइन खींच दी गई। इससे क्या हुआ, इस कलर को थोड़ा सा डेप्थ मिली, कलर को इतना अच्छा डेप्थ मिलने से है कि वो वाला जो लाइट कलर है वो उभर के बाहर आ रहा था। और हाँ, ये मेरी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गई। मैं सोच रही थी कैसा ब्लैकिश कलर लगाऊंगी तो कैसे लगेगी, पर नहीं, जो बेस कलर मैं ऐसे करके लगाई हूँ उससे क्या हुआ, मूर्ति की जो छवि है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। अभी मैं आइस नहीं बनाऊंगी क्योंकि आइस एकदम से लास्ट में बनाऊंगी, जैसे कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो आइस बनाने में मेरे को दिक्कत आती है, ये मेरी बचपन से प्रॉब्लम है कि आइस मैं ठीक से बना नहीं पाती, छोटी बड़ी हो जाती है। बट मैं कोशिश करूँगी इसमें कि आइस वाला हिस्सा ठीक हो। इसके बाद मैं ऑरेंज को थोड़ा सा ज़्यादा लेकर उसका भी हाइलाइटर बनाई, जहाँ पर मैंने बॉडी का कलर भरा था वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट की हूँ। इसके बाद डार्क पिंक लेकर भी पेटल्स की सी जगह पर जहाँ पेटल्स हैं वहाँ पर भी मैं हाईलाइट की हूँ, थोड़ा सा डार्क पिंक शेड बनाकर वहाँ पर हाईलाइट की। रेड वाले से कहीं कहीं भी स्टोन लगा हुआ काम जैसा, फूल जैसा, ऐसा भी बना दी हूँ ताकि ज्वेलरी भी हाईलाइटेड हो जाए। अभी मैं आँखों में हमारी बंगाली में खाते चोखुदान, आँखें को हाईलाइट करने वाली हूँ।
ये क्या किए, मैंने व्हाइट कलर लिया और आंखें वाले पोर्शन में व्हाइट कलर भर के मैं एक्चुअली कुछ देर के लिए छोड़ दी थी, यहाँ पर तो मैं दिखा नहीं सकती। हाईलाइट कर जगह भी कई कई जगह पर मैं डॉट लगाई क्योंकि और भी कलर उभर के आए लाइट और डार्क के बाद। अब मैं ये मंडला बनाने वाली जो ये है उससे मैं क्या किए, आँखों में थोड़ा सा व्हाइट के ऊपर डॉट लगा कर ब्लैक लगा दिया और उससे ही मैंने उसके आईब्रोज बनाई हूँ। अभी छोटा एकदम से पतला वाला जो ब्रश है उसको मैं लेने के बाद ऊपर से और नीचे से, जैसे कि मैं आईलाइनर लगाती हूँ वैसे ऊपर से और नीचे से धीरे से आईलाइनर लगाई और बीच में थोड़ा सा बोल्ड और दो साइड थोड़ा सा पतला करके। तो इससे मैं देखी थोड़ा सा लेफ्ट जो आईज है उसमें प्रॉब्लम आई बट राइट साइड का जो आईज है वो एकदम से परफेक्ट आया। अभी मैं धीरे धीरे कोशिश करती ही जा रही थी इसको मैनेज कर पाऊँ बट फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इधर उधर हुआ है बट समझ में नहीं आ रहा, एकदम से छोटी सी मूर्ति है। इसको डिटेल करने का मतलब है आप एकदम प्रोफेशनली करने की सोचोगे बट हम लोग जैसे अनट्रेंड लोगों के में ये प्रोफेशनलिज्म नहीं आती है, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाती है। जब मैं थोड़ा सा ट्रेंड हो जाऊँगी तो इससे भी बढ़िया चीज़ बना लूँगी। अब इसके आँखों में और भी थोड़ा सा डिटेलिंग करके मैं एकदम लास्ट में इसके आँखों के ऊपर वाइट का एक डॉट लगाऊंगी ताकि नेचुरल लगे। ये भी मैं थोड़ी सी सीखी हूँ ऑन यूट्यूब एंड मेरे बचपन में जो टीचर्स थे वो मेरे को सिखाए थे कि इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर और टिंच लगाने से क्या होता है, आँखें और ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है और प्रोमिनेंट लगता है। तो ये मेरी काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, इसके ऊपर मैंने अभी तक वार्निश नहीं चढ़ाई है, वार्निश मैं चढ़ाऊंगी और ये वाइट लगाने के बाद मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। इसको सूखने के लिए पूरी एक दिन लग गया था क्योंकि ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा खींचता है और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था क्योंकि बारिश का मौसम है, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था और काम करने में बहुत दिक्कत आती है। अब देखिए कितना कितना सुंदर लग रहा है कि आंखें थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगी, जहाँ जहाँ छूटा था थोड़ा सा और डिटेलिंग मैं धीरे धीरे करती गई और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। गणपति बप्पा मोरिया, सक्सेसफुली हैव कम्प्लीटेड माई टास्क। ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं ये कम्प्लीट कर चुकी हूँ और फाइनल रिजल्ट, भगवान क्या बोलूँ, आप मदद नहीं करते तो ये कम्प्लीट नहीं होता। सच में भगवान की बहुत कृपा है कि मैं कम्प्लीट कर चुकी हूँ और ये प्रोजेक्ट आपके सामने। आप लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए और बताइएगा कि कैसा लगा। मैं अपने कोशिश में जारी रखूंगी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आऊंगी और क्या क्या देखना चाहते हैं आप वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।